फिल्म्स में हम सूर्य हो आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। सलमान खान के दबंग से की एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और वो खबर ये है कि किसी ने ये फिल्म एक घंटा की जो फिल्म है सलमान खान दबंग से वो देखी है और जो अंदर की रिपोर्ट्स आई है वो आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूं। उसके पहले आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिएगा और साथ ही मेरे नए चैनल सिनेमा क्रेजीज पर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ताकि आपको वहां पर पब्लिक डिमांड पर खबरें मिलती रहे। फिलहाल दो खबर क्या है वो आपको बताता हूं। सलमान खान की जो आने वाली दबंग थी है उसका मोशन पोस्टर कुछ दिनों पहले रिलीज हुआ और तब से ही जो फैंस है वो एक बहुत ही ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे इस फिल्म से। ऑफ कोर्स उम्मीद लगाना जरूरी भी है कि क्योंकि एक बड़ी फ्रेंचाइज है दबंग, दबंग 2 और आखिरकार दबंग 3। 20 दिसंबर को ये फिल्म आने वाली है और पांच बड़ी चीजें जो बंदे ने फिल्म देखी वो बताई है, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। एक तो ये है कि ये फिल्म में ह्यूमर कमाल का होगा जो सबसे अच्छी और प्लस पॉइंट है दबंग की, जो एक बहुत अच्छी बात है। दबंग 1 हो और दबंग 2 हो, ह्यूमर बहुत अच्छा है, बहुत कमाल का जो मजा लेते हैं चुलबुल पांडे वो बढ़िया है, ठीक है। सेकेंड चीज जो बढ़िया कही गई है इस फिल्म के लिए वो है कि इसमें सलमान खान का जो परफॉर्मेंस है वो लाजवाब है और फैंस सीटी बजा नहीं पा रहा हूं बट सीटियां बजाएंगे उस तरह का परफॉर्मेंस सलमान खान का। एंड वी नो सलमान खान इस कैरेक्टर को एक जान दे दी है, मतलब चुलबुल पांडे अगर हम सोचे कुछ सोचे तो हम सलमान खान को ही इमेजिन करेंगे सबसे पहले, ठीक है। थर्ड चीज जो कही है उस बंदे ने जिसने फिल्म देखी एक घंटे की ये फिल्म से, उसका कहना है कि गाने इस फिल्म में कमाल के हैं और सलमान खान की दबंग 1 और 2 में गाने अच्छे थे, चाहे वो आइटम नंबर हो मुन्नी बदनाम या उसके बाद झंडू बांग हुई या फिर है ना जो आंखों पे एक सॉन्ग था, तो कई सही सॉन्ग जो बहुत अच्छे ही जैसी सी बात है और डायलॉग भी कमाल के थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो चौथी बात कही है वो है सुदीप जी की एक्टिंग, सुदीप जी की जो यानी किचर सुदीप की जो एक्टिंग कर्नाटका के सुपरस्टार है उनकी जो एक्टिंग और ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया भी बहुत अच्छे अच्छे फेमस है वो, और किचर सुदीप की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी है, वो बहुत ही यूनिक है, वो एक चीजें कही है। और पांचवी चीज ये कही है कि प्रभु देवा के डायरेक्शन जो है बहुत ही कमाल का है, ठीक है। तो ये पांच चीजें सामने आई है और कहीं ना कहीं इतना साफ पता चल रहा है और जो बंदा है जिसने ये घंटी फिल्म देखी उसका ये भी कहना है कि ये फिल्म सुपरहिट जरूर होगी। तो सिंपल सी लॉजिक यहां पर हम ये कह सकते हैं कि सलमान खान की दबंग 3 एक बड़ा धमाका करने वाली है और ये क्रिटिक्स की रिपोर्ट है और उम्मीद करते हैं ये क्रिटिक की रिपोर्ट 110% सच हो, वो तो होगी, सलमान खान के नाम से ऑडियंस जाती है फिल्म देखने और फिल्म में अगर दम हुआ धमाल होगा यानी कि वांटेड के बाद प्रभु देवा फिर से सलमान खान के जो कैरियर है उसे एक और बड़ी बुलंदियों पे और हाई लेवल पे लेकर जाने वाले हैं और मुझे लगता है इस बार रिकॉर्ड्स की झड़ी लगने वाली है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फिर इतना है।